मेरे सारे शिक्षक का विद्यार्थी, मैं उनका पहचान बताने से पहले इनका मैं पहले आपको काम बताता हूँ। ये पहले तो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। इनका काम आप लोग के लिए लगातार संघर्ष किए हैं। वो जो सतमा चरण नियमावली निकला है, ये कहीं ना कहीं निकलवाने के पीछे इन्हीं का हाथ है और इन्हीं के सपोर्ट से आप लोग का जो सतमा चरण नियमावली है ये निकला है। और ये आप लोग के लिए लगातार लड़ाई लड़े हैं, चाहे तो अभी का मैटर हो, बीएड वर्सेस बीटीसी का मैटर हो, बिहार शिक्षक बहाली का कोई भी मैटर हो, वो सारा चीज़ को लेकर लड़े हैं। अभी मेरे साथ हैं गया जिला के जिला अध्यक्ष, बीजेपी का जिला अध्यक्ष प्रेम प्रकाश उर्फ चिंटू सिंह। तो मैं इनसे सारा कुछ जानूंगा। और सर, आपका जो है माननीय सम्मानित जो है विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा जो बयान है आज का कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मैटर चल रहा था उसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि बीएड वालों को बाहर रखा जाए, पर उनका बयान आया क्योंकि एनसीटी का गाइडलाइन में था कि बीएड भी शामिल रहेंगे और बीटीसी वाला भी शामिल रहेंगे, तो फिर बीएड वाला के साथ अन्याय क्यों, बीएड वाला को भी रखा जाए। खासतौर पर बिहार शिक्षक बहाली में सर रिजल्ट को रोक कर रखा गया है, तो इसको लेकर पहले सर आप बताएं शिक्षक बहाली को लेकर सर कि आपने क्या क्या संघर्ष किए और आखिरकार इसमें जीत मिलेगा कि नहीं, बिहार शिक्षक बहाली में बीएड वाले को शामिल किया जाएगा कि नहीं सर, बिहार शिक्षक बहाली में प्राइमरी 1-5 में सर। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी। यस सर, आज इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आपने जो मुद्दा उठाया है बिहार शिक्षक बहाली को लेकर, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार शिक्षकों की बहाली को लेकर, शिक्षकों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, नौजवान साथियों के साथ जो अत्याचार बिहार सरकार कर रही है, उसको लेकर हम भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता 13 जुलाई को आपने देखा होगा शिक्षकों की बहाली को लेकर हम लोगों ने बिहार विधानसभा का घेराव का प्रस्ताव लेकर पूरे बिहार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बिहार सरकार को आईना दिखाने के लिए हम लोग जब घेराव करने जा रहे थे, तो जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज करके हमारे नेताओं और कार्यकर्ताओं, लाखों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जो घायल किया गया, जिस तरह से लगा कि हम लोग पाकिस्तान में आंदोलन कर रहे हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग शिक्षकों की बहाली को लेकर हम लोग लगातार बिहार सरकार पर प्रेशर बना रहे हैं और इनको हमारी मांगे माननी पड़ेगी। आपने जो बताया बीएड वर्सेज बीटीसी, हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष होने के नाते, ये दोनों की बहाली होनी चाहिए। नौजवान साथी आज हमारे बेरोजगार हैं और बिहार सरकार, यही उप मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हमारी सरकार जब आएगी तो पहला कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरियां दिया जाएगा। वो कहां गया वो 10 लाख नौकरियां, वो कहां गए इनके वादे? ये सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, ये सत्ता के लोभी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी सत्ता की राजनीति नहीं करती है, उनके लिए देश सर्वोपरि है, राज्य सर्वोपरि है, हमारे बिहार के एक एक नागरिक हमारे लिए सर्वोपरि हैं। सर, बीएड को लेकर से हम देखें हैं सर, अभी बिहार में से जो बिहार शिक्षक बहाली में सबसे पहले बीजेपी का ही नेता है, जो कि स्पीकर भी रह चुके हैं सर, विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं और अभी विधायक भी हैं ये सर, विजय कुमार जो सिन्हा जी हैं सर, विजय कुमार सिन्हा जी के द्वारा आज बताया गया, उनका बयान आया और वो ट्विटर पर ट्वीट भी किए हैं कि बीएड वालों को भी शामिल किया जाए, बीटीसी को शामिल किया जा रहा है तो बीएड वालों को क्यों नहीं? तो क्या लगता है सर शामिल हो पाएंगे और इसको लेकर आप लोग क्या कर रहे हैं सर? जरूर, हमारे जो विपक्ष के नेता हैं, आप जो बता रहे हैं कि हमारे विपक्ष के नेता माननीय विजय कुमार सिन्हा जी, वो लगातार हर बिंदु पे शिक्षक बहाली हो, चाहे बिहार में जो गिरती विधि व्यवस्था हो, आए दिन जो हत्या हो रही है, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, उसको लेकर वो काफी एक्टिव हैं और काफी सभी जगह वो जाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से जिस तरह से बीटीसी को बहाल किया जा रहा है, तो हमारे माननीय जो मांग किए हैं कि बीएड वाले को भी बहाल किया जाए, अगर बिहार सरकार इसमें नहीं मानती है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और अपनी ओर से मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी फिर से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करने का काम करेगी। सर, ऐसे में और भी नेता लोग का बयान आ रहे हैं सर, जैसे कि चंद्रशेखर जी का जो आजाद समाज पार्टी का अध्यक्ष है, वो भी तरफ से बयान है, वो भी सपोर्ट में उतरे हैं, कहीं ना कहीं गलत हुआ है क्योंकि एनसीटी के गाइडलाइन में आया था कि बीएड वर्सेस बीएड वाले भी और बीटीसी दोनों शामिल रहेंगे और अब बीएड वाले को हटाया जा रहा है जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। तो इसका एक और रास्ता है सर, अगर केंद्र सरकार, सर आपकी सरकार है सर केंद्र में सर, अगर केंद्र सरकार चाहे तो नियम निकालकर सर, नियम बनाकर और कैबिनेट में पास करा दे, संसद भवन है, कैबिनेट में पास कराकर और उसको वो अध्यादेश लाकर और बीएड वाले को एक बार में शामिल कर सकता है। तो क्या लगता है अगर राज्य सरकार नहीं करेगा सर, अगर राज्य सरकार नहीं करेंगे तो क्या आप ये करवा सकते हैं सर, इसके लिए आप लोग कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये अगर नियम आ जाएगा, देश आ जाएगा सर, तो सारा मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखिए कुणाल जी, इसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी युवाओं और देश के प्रति जो युवाओं एक मैटर है सर कि बीएड वर्सेस बीटीसी बिहार में भी है सर, पर ये ऑल ओवर इंडिया में भी चल रहा है सर, बीएड वर्सेस बीटीसी मैटर है, ऑल ओवर इंडिया का भी मैटर है सर, यूपी वाले भी इसमें है, सारे स्टेट का है,
क्योंकि बिहार वाले में तो सर रिजल्ट को रोका ही गया है, पर मैं चाहता हूँ ऑल ओवर इंडिया के लिए आवाज उठाया जाए सर, बीएड वर्सेस बीटीसी। वो आपका कहना सही है, लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तब तो लेकिन हम लोग आंदोलन करेंगे और इनको झुकना पड़ेगा, शिक्षकों के आगे झुकना पड़ेगा, नौजवान साथियों के आगे झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग फिर से सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अभी हमारे यहाँ के ज्ञान शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी हुए हैं जीवन कुमार जी, वो लगातार शिक्षकों की बहाली को लेकर, शिक्षकों के किसी भी समस्या को लेकर वो आंदोलन कर रहे हैं। जो बिहार की समस्या है, जो नौजवान की समस्या है, उसको लेकर हमेशा वो तत्पर रही है, चाहे वो सरकार में रहा हो चाहे वो विपक्ष में। हम लोग हमेशा आम नागरिकों के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही है, इसका उदाहरण है कि आज अपने देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और आप जो बता रहे हैं बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा जी, वो लगातार सभी समस्याओं को लेकर, शिक्षकों की समस्या हो, चाहे आए दिन जो हत्या डकैती या बलात्कार और लूट, जो लाइन ऑर्डर जो इन लोग से मतलब कंट्रोल से बाहर हो गया है, उसको लेकर आज हमारे सभी नेता सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और आम नागरिकों को भरोसा दिलाने का काम कर रहे हैं कि आपके साथ भारतीय जनता पार्टी परिवार तटस्थ है और आपके सभी सुख दुख में खड़ा रहेगी। तो जैसा कि आपने सुना जिला अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया सारी चीज़ें, और अगर सरकार नहीं मानती है तो बीजेपी की तरफ से जो जिला अध्यक्ष अभी आपको जो बताए हैं ये आपके हमेशा सपोर्ट में रहे हैं, और आप लोग शायद इनको जानते होंगे, बहुत ही फेमस चेहरा है बिहार का। ये जो लड़ाई लड़ा गया था जो सतमाचा नियमावली को लेकर, तभी से ये लगातार ये सुर्खियों बने हुए हैं, और आप लोग को पता है कि ये घायल भी हुए थे, उनके साथ भी जो है लाठीचार्ज किया गया था, ये घायल भी हुए थे आप लोग के लिए। तो कहीं ना कहीं एक जो है जो सरकार है ये काम जो कर रही है, कहीं ना कहीं एक तरह से बच्चे लोग का, अब आप ही बताइए, वो एग्ज़ाम ले रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो भाई रिजल्ट भी देना चाहिए उनको, अब रिजल्ट पे रोक लगाया जा रहा है। तो इनके द्वारा, बीजेपी के द्वारा, बीजेपी के जिला जी के द्वारा आप लोग को क्लियर कर दिया गया, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये सड़क पे आएंगे और आप लोग के सपोर्ट में आवाज़ उठा रहे हैं। बस आप लोग अब एक्टिव होइए, आप लोग एक्टिव रहिए, आप लोग आइए और आप लोग मतलब एक्टिव होकर आवाज़ उठाइए, आप लोग के सपोर्ट में सारे कोई हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जुड़े रहें, और जैसे ही कोई अगला इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आप लोग के साथ सारा चीज़ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।